हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर फोर ऑफ वी वी एस केयरिंग फॉर अदर्स इस चैप्टर में आप सीखोगे कि हम दूसरों की केयर कैसे कर सकते हैं दूसरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स लव यू डीपली एल्डरली पीपल आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी वी शुड स्पेंड टाइम विद डैम एंड रिस्पेक्ट दैम आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इसलिए आपको क्या करना चाहिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए देर आर मैनी पीपल इन आर सोसाइटी हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस लेट्स रीड अबाउट दैम लाइक सीनियर सिटीजन्स हु आर सीनियर सिटीजन्स पीपल अबव द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स आर कॉल्ड सीनियर सिटीजनस दे लुक फॉर लव एंड रिस्पेक्ट फ्राम अर्स सीनियर सिटीजनस कौन होते हैं जिनकी ऐज सिक्सटी ईयर से ज़्यादा होती है जैसे स्टूडेंट्स आपकी ऐज किसी की सेवन ईयर्स है किसी की एट ईयर के आस पास है ना तो ऐसे सीनियर सिटीजनस की एज कितनी होती है सिक्सटी ईयर से ज़्यादा इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं और आस आपके आसपास जो लोग रहते हैं इनमें से कोई भी हो सकता है तो आपको उन लोगों से कैसे पेश आना चाहिए यू शुड रिस्पेक्ट देम आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए नाउ वी वी लर्न अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं अ पर्सन विद अ फिज़िकल डिसबिलिटी इज सेट टू बी डिफरेंटली एबल्ड सच पीपल मे नॉट बी एबल टू सी हीयर और स्पीक दे नीडर लव स्पोर्ट एंड एनक्रेजमेंट कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंटली एबल होते हैं हमसे उनकी एबिलिटीज़ थोड़ी अलग होती हैं जैसे कि कोई पर्सन है वो देख नहीं सकता कोई सुन नहीं सकता और या फिर है कोई पर्सन वो बोल नहीं पाता या फिर क्या होता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट है वो हमारी बॉडी के पार्ट से थोड़ा अलग होता है जैसे कि पूरी तरह वो डेवलप नहीं हुआ और पूरी तरह अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाता बट वो लोग हैं उनमें थोड़ी यूनिक एबिलिटीज़ भी होती हैं उनकी एबिलिटीज़ हैं उन लोगों में हमसे थोड़ी अलग क्वालिटीज़ होती हैं लाइक पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक अगर कोई पर्सन है वो सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता बट कम्युनिकेशन तो फिर भी वो लोगों से करते हैं तो वो कैसे करते हैं कम्युनिकेशन दे यूज़ हैंड एक्शंस टू कम्युनिकेट अपने हैंड्स की मूवमेंट से है वो अपनी बात है वो समझा सकते हैं दिस इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज दे कैन ऑल्सो रीड द लिप मूवमेंट ऑफ अ पर्सन नाउ पीपल हु कैन नॉट सी जो पर्सन है वो देख नहीं सकते उनको क्या कहते हैं विजुअली चैलेंज क्या कहते हैं विजुअली चैलेंज अब आप सोचो कि कोई पर्सन है जो देख नहीं पा रहा बिल्कुल भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या बुक रीड कर सकता है जैसे आपने अपने सामने बुक रखी हुई है आप बुक रीड कर रहे हो तो वो पर्सन है वो रीड कर पाएगा ऐसे नो दे कैन ओनली रीड बुक्स रिटन इन द ब्रेल स्क्रिप्ट अब ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो नंबर्स लिखे जाते हैं उनके साथ है थोड़ी रेस्ड डॉट्स होती हैं तो जब वो पर्सन है वो बुक के पेज को टच करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो थोड़ा सा रेस्ड या थोड़ा सा उभरा हुआ है तो वो फ़ील करते हैं ठीक है ठीके? वो पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग है वो समझ सकते हैं या फिर है ऑडियो बुक से वो सुन सकते हैं हेल्पिंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल देर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो आर कंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट दैम डोंट मेक फन ऑफ दैम और टीज दैम अगर कोई पर्सन है आपके आसपास जो कि डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है मजाक नहीं बनाना एंड ट्रीट दैम इक्वली हेल्प डैम ओनली वन दे आस्क फो एंड नॉट आउट ऑफ पिटी की हेल्प कब करनी है जब उन्होंने आपको बोला है कि उनको आपकी हेल्प चाहिए अदरवाइज उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उन पर पिटी कर रहे हो आप उन पर तरस कर रहे हो spend time with them and encourage them to attend school hobby